नवजोत कौर सिद्धू पटियाला दे विधानसभा हलका सनौर विखे पहुंचे। उत्थे उन्होंने कहा कि पंजाब च अफीम की खेती होनी चाहिए पर यह सरकारी कंट्रोल विच होनी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि अफीम की खेती इसलिए पंजाब विच रोकी गई सी क्योंकि पंजाब च सिंथेटिक ड्रग्स नहीं विक रही सी। ते नाल ही कहा कि पंजाब विच सिंथेटिक ड्रग्स फैलाउण लई अफीम की खेती ते रोक लगाई गई। उन्होंने अगे भी कहा कि अज पंजाब विच 10 व्यक्तियों वजों 7 व्यक्ति डिप्रैशन च जा रहे हैं। सिंथेटिक ड्रग्स की धंधा चलाउण लई अफीम की खेती बंद कर दी जाए तो अज पंजाब विच नौजवान सिंथेटिक ड्रग्स के टीके नाल वध रहे हैं। की कुछ कहा उन्होंने अपने इस वीडियो विच, तुसीं भी एक बार नज़र पाओ। फैमिली जे डॉक्टर सिद्धू की गल हो तो 4 साल तो पॉलिटिक्स चो बाहर है पर सोशल वर्क हजे तक बंद नहीं किया। सोशली अपने काम कर रही है, मिल भी रही है लोगों को। जी यूथ लीडरशिप है नवी जी तैयार हो रही है या वह जे लोग जेडे निगलैक्टेड फील कर रहे सी थोड़ा कि असी उस लैवल पर काम करना चाहते हाँ पर असी नहीं कर पा रहे, उन्होंने हल्लाशेरी देने लई मैं सारे पंजाब अवेलेबल हाँ। मेरी शर्त यही होंगी है, थोड़िया जी शर्त होंगे हैं, ईमानदारी नाल काम करना है, लोगों नू एसेसिबल होना है, बंद कमर च बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करनी, लोगों के विच रह के पॉलिटिक्स करनी है। जिन्हों तकलीफ है वो विच बैठो। तो शरी मेरे को आया, बच्चा है मेरा, काम करन दी ने नाल इहदी टीम है, बहुत सारी टीम है, सारी टीम यह जी है। ये पुराने मेरे तो बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं, 4 डेकेड्स तो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं पर शायद इन्हों मुल नहीं मिलिया। सो मेरा यही सगा घर च नहीं बैठना, तुसी बहुत चंगा काम कर रहे हो क्योंकि पॉलिटिक्स च रह के तुसी बहुत सेवा चंगी सेवा भी कर सकते हो। सो सेवा वाले पासे लगो, काम करो, फिर परमात्मा जिहड़ा जिथे तुहानूं रखे उत्थे करो पर लोगों च रहो तो सही, कोई भले का काम। सो ये सारी टीम वो है जिहड़ी कि काम करन दी जज्बा रखती है, लोगों लई खड़ती है। 5 महीने तो मैनूं ऑब्जर्व कर रही हां, मैं भी नहीं तो दफ्तर खोलन आई, 5 महीने तो लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के हल कर रहे हैं, लोग मेरे को आ रहे हैं, कह रहे हैं भी ये लोगों को जोड़ भी रहा है, बाकियों भी चंगे पासे काम करता है। जिन्हों किसी चीज़ की लोड़ होती है हर सोशल कॉज के विच खड़ता है। सो यह जो ऑफिसेस असं चाहवांगे सारे पंजाब खुलन। हूँ तो मैं क्योंकि जाट महासभा की प्रधान हाँ, किसानों मैं सारे पंजाब मिलना, अपनी टीम बनानी है, वो करके मेरी बहुत सारी टीम जी पंजाब की हैगी है जी मेरे नाल जुड़ी हुई है, यूथ जुड़िया हुआ है, वो बहुत सारे लोग जिहड़े सीनियर लीडरशिप च रहे हैं कांग्रेस की, वह भी मेरे नाल जुड़े हुए हैं, वह भी इत्थे आए। कांग्रेस तो अगला चेहरा भी हो सकता है जी हलका सनौर तो एमएलए दा? असी देखो मैं तुहानू पहले ही कहा असी पॉलिटिक्स दे विच मैं इस गल च विश्वास ही नहीं करती। मैं तो कहनी हाँ चेहरा वो होवे, मैं मेरा विश्वास यही है चेहरा वो होवे जिहड़ा जमीन फाड़ के लोग कहन भी ये बंदा सानू लीड करना चाहता। मैनू चेहरे फड़ के लोगों के उत्ते थोपने ना कदे पसंद है ना मैं कदे उहदे फौर हाँ। मैं अपनी डॉक्टरी कर रही सी, लोगों ने MLA अमृतसर ईस्ट चो आवाज़ निकली मैडम सिद्धू ने जी साडी सेवा की इहनू टिकट दो, मैनू पता भी नहीं सी मैं मरीज़ देख रही सी मेरी टिकट आई। मैं इहनू कहा मैं किसी टिकट च कुछ ही चीज़ च नहीं आ, मैं सेवा करो लोगों की, जे लोगों की आवाज़ चो निकले आवाज़ भी आह बंदा साडा लीडर होना चाहिए, ये बंदे ने साडे लई इन्ने काम कर किते है, ये बंदा मैम जी सानू दो अगे लैके आओ, उहदे लई मैं जद्दोजहद करके जिथे मर्जी तक स्ट्रगल करना पवे उही जे लोगों नू मैं जरूर चाहूंगी कि पंजाब च अगे आवां। पंजाब दी राजनीति दी गल करिए, किसान धरने ते बैठे आ, कोई उहनां दा मसले दा हल नहीं हो रहा, दूजे पासे बरगाड़ी कांड नू लैके फिर एक बार सियासी राह लैण दी कोशिश कीती जा रही है। कल सिद्धू साहब ने भी एक बार मीटिंग कीती है, कॉन्फ्रेंस कीती है, उहदे विच उहनां ने किते ना किते अपनी सरकार नू कड़कड़े कड़ा पैंदा की कहना चाहूंगी? देखो इस च सरकार ना सरकार दी गल ही नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है, फैक्ट फैक्ट है। जे आप फैक्ट तो भजेंगे तो आप कितने नहीं खड़े। किसानों लई क्योंकि मैं जाट महासभा च आ गई, मैनू बहुत दर्द सीगा किसानों का, मैं रस्ते सड़कों से उदों की लंगर ला रही हाँ, मेरी टीम लगी हुई है, मेरे बच्चे उत्थे जा रहे हैं रेगूलर समान लेके जा रहे हैं, पर क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासी बंदा साढ़े को ना आवे मैं उत्थे जा नहीं सकी। सो मैं धन्यवाद करती हूँ ऑल इंडिया लैवल तो पता नहीं कितों मेरा नाम आया, उन्होंने टकैत साहब हैं, उन्होंने युद्धवीर हैं ऑल इंडिया के, उन्होंने कहा जी पंजाब चो एक मैडम सिद्धू हैगी है तो पता नहीं उन्होंने भी उन्होंने पंजाब की प्रधान बना दो। मैनू इस गल की खुशी है क्योंकि मैनू ये पता है भी किसान नू कल्ला ये लॉज़ नू हटा के हल नहीं होना, किसान नू इस चो कढ के किसान नू लखपति किवें बनाना उहदा इलाज मेरे कोल हैगा, वो साडे कोल हैगा, वो असीं करांगे भी असीं किसान नू किवें करना है। लॉज़ दे की फ्लॉज़ हैं की फॉल्ट्स हैं वो पूरा स्टडी किया, किसानों के कोल जावांगे। NRIs नाल गल हो रही है, 28th नूं भी मेरी कॉन्फ्रेंस है डायरेक्ट उन्हां नाल। मैनूं 5 उद्योगपति नहीं, मैनूं 200 उद्योगपति चाहिए हैं पंजाब च जिहड़े आके साडे किसानां नूं इस नरक चों बाहर कढ़न।
मैडम 2022 और सिद्धू साहब अहम चेहरा हो सकते हो की लगता है कि देखो मैं कल दी गल कदे नहीं करती असी पंजाब लई खड़े हां असी पंजाब लई सब कुछ सैक्रीफाइस किया ठीक है ना जो मैंने पोस्ट मिली मैनू ये लगता भी नहीं सी भी मेरे घर वाले ने कहा नहीं नेपोटिज्म मौजूद तू घर बह जा मैं तां भी सेवा नहीं छड़ी सानू कुर्सियां नहीं चाहिए पर सानू कुर्सी की ताकत चाहिए लोगों की सेवा करन दे लई अज मैनू चाहे जाट महासभा की मिली है जिन्ना भी काम जिन्ना परमात्मा दे उस दे विच रह के चंगा करना पंजाब दे यूथ नू बाहर जाने तो रोकना मैं थोनू पहला क्या पंजाब दे यूथ नू उस गल ते मोटिवेट करना सानू मोदी साहब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज चाहिए है वैटनरी यूनिवर्सिटीज चाहिए है किसानों देसी गावों वाले पास लेके जाना है किसान अपनी मिट्टी ठीक करनी पेगी किसान अपना उपजाऊ की क्वालिटी ठीक करनी पेगी ताकि वह मार्केट बिके लॉस बहुत वधिया है जे उस लैवल तक असी पहला पहुँच जाइए सानू 2 साल की तैयारी तो करवा दो भी असी अपनी गोभी गाजर एवोकाडो हॉप शूट लाइए लख रुपये किलो बिकती है मैं लावा तो मैं बेचा कितने तुझे सानू आज ऐ खड़ा करता भी भाई तू समान लैके सड़क पर खड़ा हो जा 2 दिन तेरा समान खराब हो जू तू मजबूर है अडानी अंबानी की तैयारी है बाबा रामदेव की तैयारी है वो समान चक्के ले जाएंगे क्यों भाई तू मेरे 200 कारपोरेट्स क्यों नहीं तैयार किए सारे यूथ नू आई टी सैल्स नाल तैयार क्यों नहीं किया पिंडां नाल क्यों नहीं जोड़िया क्यों नहीं किसानों नू समझाया भी मिट्टी ठीक कर क्वालिटी ठीक कर आ वाली चीज़ लगा आ वाली चीज़ का तेनों फायदा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों लैके गए मोहाली तो अमृतसर का छड़ के दिल्ली क्यों लैके गए तुम इतों जोड़े ट्रक है समान इतों निकलता है स्टेट चो दूजी स्टेट जाके थोड़ू रिश्वत देनी पैंती है साढ़ा इंतजाम किया भी साडा किसान अज एयर कंडीशनड ट्रेन चला देन भी उस ट्रेन चाह समान जाए पहला दसो तो सही मैं मध्य प्रदेश को की चाहिए मैं की दऊँ मैं राजस्थान को की दऊँ मैं वह गाऊँ मैं तो अजे तक दालों बारे स्टेट्स तो लै रही हाँ मेरी स्टेट ने तो इन्नी मेहनत भी नहीं की भी पंसप के मार्फेट जिन्होंने दालों आटा दाल स्कीम लिए चलती है मैं किसानों को कह भी राइस ना लावे राइस जी है वो अपनी मिट्टी का पानी लेवल खत्म कर दूगी आप रेगिस्तान बन जाएंगे तो ये अपनी सरकार को समझाना चाहिए किसान भी भाई तू दाल ला मैं तेरी दाल चकूँ जिमें केरला ने किया केरला ने क्यों MSP था देने मारी मेरे घर वाले ने कहा ना भी MSP तो ये चीज़ा तो होनी चाहिए है मिनिमम मैं कहनी हाँ 100 तो होनी चाहिए है पर काम सरकार का है कि पहला तैयारी करा के रखे भी ये समान केड़ा केड़ा तुसी उपजाऊ कराओगे ये समान असी कितने कितने बेचांगे डिमांड कितने है थोड़ी चीज़ की डिमांड बेस्ड असी बाहरली कंट्री भी भेज सकते हैं मैं कहनी हाँ बंदे ने श्रीनगर छड़ के पंजाब इंग्लिश विलो लाती तो फैक्ट्री खोल देन तुम अपने बंदे नूं भजा रहे हो तो सबने बंदे नूं दस ही नहीं रहे फ्लोरीकल्चर है आप गुरुद्वारों अपने होंगे विवाहों से होंगे तुम मैं दसो लखा रुपया की फ्लावर्स की होंगी है अपनी फुलों की खेती अपने किसान क्यों नहीं सिखाई उन्होंने क्यों नहीं अश्योर किया भी असी तेरे फुल चकांगे असी तेरे फुल स्टोर करांगे साढ़े बच्चों बाहर भेज रहे थे उन्होंने क्यों नहीं लोन दते इन्होंने मुद्रा लोन दिता तुम मैं दस दो पंजाब चो किन्ने यूथ को मुद्रा लोन का फायदा होया तो वह घर कुड़की करते हो ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਰਨ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ 5-5 ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਆ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹਾਂ भी भाई मैं आह मुल तो नहीं इस मुल तो चकूँ फिर 5 ही बंदे क्यों 200 बंदे भेज मैं भी तो गल करा तेरे भी बंदे नाल मैं 3 रुपये मैं बिल्कुल कह रही हाँ मैं हमेशा फिर कह रही हाँ मैं जिते गलती करेंगे मैं उत्थे गलती दे नाल होऊंगी हजे तक तो ये सेंटर के नाल लड़ाई चल रही सी इन्हां दी भी ये डायरेक्ट ट्रांसफर होनी है कि नहीं इन्हां नूं पता होना चाहिए भी 2 साल पहलां दी चिट्ठी आई हुई है अज थोड़ी चिट्ठी आई है तुसी जदों यूनियन गवर्नमेंट ने कहता तुसी सेंटर तो उत्ते नहीं होगे उन्होंने एक उपदेश लागू करता भी DBT होगी थोनों भी पता होगी तुसी बंदियां नूं क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो तुसी तैयार रहो तुसी किसानों नूं क्यों नहीं किया भी अपना चढ़ाओ उस ते ठीक है ना भी जो तो थोनों ते थोनों तैयारी उस पास करनी चाहिए सी पहला मैं तो कहनी हाँ गलतियाँ इस गल्लां तो बाहर इन्हों गवर्नमेंट ही कढ़ सकदी है पर जे सरकार सोचे असी माँ बाप हाँ असी हुण ताईं मैं कहनी हाँ मैं फ्यूचर लीडरशिप वो तैयार करना चाहनी हाँ जिहड़ी लोगों के विच रहे लोगों की सुने लोगों के भले लई काम करे सिद्धू साहब ने क्यों कहा सी
सरकारी दारू होवे, सरकारी माइनिंग होवे, क्यों क्या सी एडवरटाइजमेंट सरकारी होवे, क्यों क्या सी, क्योंकि 50,000 करोड़ दी सेविंग होवे ताकि मैं हर बच्चा जेड़ा भी डिग्री पास करे मैं उन्हें घट तो घट 10-15 हज़ार की नौकरी दे सकाँ। साडा मकसद यही है, जो सरकार अमीर होगी नौकरियां दूगी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं भरोंगे, सरकारी हस्पताल नहीं भरोंगे, दिखाओ किन्ने सरकारी स्कूल च हर टीचर है, स्पोर्ट्स का टीचर है, आर्ट्स का टीचर है, थोड़े को सब्जेक्ट्स के टीचर है नहीं, फिर तुम अपने बंद कहने हो सारे पैसे बंदा एग्जॉस्ट करके अपने बच्चे टीचर बनाता है, तो जो टीचर को नौकरी है नहीं, मैं ही कहनी हाँ नौकरी तो छोड़ो, टीचर को चॉइस होनी चाहिए है। अजकल नोडल फैमिलीज है, अजकल ये नहीं है भी घर वाला इतने है, घर वाली उत्थे भेज दो, चल तू गुरदासपुर, बच्चा सड़क पर, तुसी चॉइस दो मेरिट के हिसाब न, आप ही टीचर होवे डॉक्टर होवे आप ही अपने नेट ते अपनी असामी अपनी एजुकेशन के हिसाब न भरे, मैं इतने काम करूँगा, मेरी मेरिट के हिसाब न मेरा बंदा, मैं इतने काम करूँगा, पर जदों ही डिग्री पूरी करे बच्चा ओदी नौकरी सरकार दा फर्ज है तैयार करे। मैडम जिस तरह तुसी कहा कि किसान नु अगे वधाना है, अच्छी खेती करनी है, किसान तो एक बार फीम दी खेती दी भी मांग करदे सी, बिल्कुल करनी है, क्यों नहीं करनी, मैं कहनी हाँ, पर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होवे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, क्यों फीम दी खेती रोकी, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग फैलानी सी पंजाब च तुसी, है ना, जदों तक फीम चल रही सी सिंथेटिक ड्रग नहीं सी बिक रही, कोई नहीं सी लै रहा, सबनों पता सी भी मरदा नहीं है जवाक, जे प्यो नू दादे तो देखदा आया वो भी, वो छोटी जी टुकड़ा, सरकारी सप्लाई क्यों आती सी भी साढ़े डॉक्टरों को, साढ़े को सरकारी सप्लाई आती सी, अज 10 बंदे फड़ लो, 7 बंदे एंगजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बीमार है, अगले नू पता है थोड़ी जी इन्नी क फीम लैंदा सी, अगे ओवरडोज भी हो जाते सी, कुछ नहीं सी हुंदा, दूजे दिन खड़ा हुंदा सी, अज सिंथेटिक ड्रग्स आईयां तां है क्योंकि आपां फीम बंद की है, सिंथेटिक ड्रग्स का धंधा चलाने लई फीम की खेती बंद की, हिमाचल भी तो मंग रहे हैं हुण, इत्थे ऑल इंडिया क्यों नहीं रूल लागू करदे, पर कंट्रोल चाहिए, देखो ये नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हूँ फीम हर कोई वर्ग बंदा खा के, फिर तुम कहो मैम तो ड्रग्स को प्रमोट कर रही है, मैम ड्रग्स को हटा रही है, कोई बंदा सिंथेटिक ड्रग नहीं लेगा, कोई बंदा टीका नहीं लाएगा, कोई बंदा मरन नू तैयार नहीं है, जो उन्हें पता है कि जे मैं हल्का जा नशा करना है या मैनू घबराहट हो रही है, मैं कुछ लेना है, मैं फीम ले लूँगा थोड़ी जी, उन्हें लीगलाइज डॉक्टर दवे, सरकार कंट्रोल करे, कैनेडा तो अमरीका मंग रहे हैं थोड़े तो फीम, लखपति हो जू किसान जिदन फीम लैन लग गया, हूँ कि राजस्थान तो नहीं आ रही, हूँ कि बाहरली स्टेट्स तो नहीं आ रही, हूँ कि हिमाचल नहीं कह रहे मैं फीम लानी है, फिर पंजाब क्यों मुकर रहे हैं। पार्टी एक थोड़े को जरिया होंगे लोगों तक पहुंचने का, पार्टी एक नाम होंगी है, पार्टी के हायर लोग की एक्सपैक्ट करते हैं थोड़े तो, नीचे वाले जो लोग हैं वह की परफॉर्म करते हैं, वह पार्टी की इमेज नहीं है, मैं हमेशा कहनी हाँ पार्टी की इमेज पार्टी नू रन करन वाले लोग बनाते हैं, पार्टी कोई भी होवे, पार्टी दे कोई भी नाम लग जे, जे लीडर चंगे हैं, मंत्री चंगे हैं, चंगे MLA हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हो, पार्टी चंगी है। मैडम तुसी किसी होर पार्टी भी मूव कर सकते हो, क्योंकि तुसी बिल्कुल कहा कि मैं लोगों के लिए सैक्रीफाइस किया, सिद्धू साहब ने भी सैक्रीफाइस किया, डीडीएस सीटा छड़ियां, देखो मैं थोनू क्या, मेरे लिए पंजाब दे हित दे विच कोई भी फैसला लेना पवे मैं उत्थे टिकी हुई हाँ, मैं पंजाब दे लोकां दा भला चाहनी हाँ, पॉलिटिक्स होवां या ना होवां, एंड जे सारा कुछ सैक्रीफाइस किया तो इस गल लई, इस बार तक तो जरूर जोर लगाऊंगी कि पंजाब नू इस नर्क चो कढ के अपने बच्चों नू बाहर जाने तो रोकीए, क्योंकि मैनू लगता है कि यह लास्ट अटैम्प्ट है, जे हुण अपने सारी यंगस्टर पीढ़ी बाहर नू भज गई फिर अगे इतने थोड़ू बजुर्ग ही मिलेंगे पंजाब च, फिर आप बचा नहीं पावे, जे ऐतकी आप रोक के कम लाता कम देता पंजाब नू दिशा दिखाती, तो पंजाब सोना है, सोना की मिट्टी है, इतने यही धरती है जी 12 महीने उपजाऊ है, आप कली खेती तो ही पंजाब नू एग्रीकल्चर ही है जिन्हें GDP जिनी मर्जी देश की GDP गिरी एग्रीकल्चर की GDP नहीं गिरी, ताई तो अंबानिया अडानिया पंजाब नज़र आया, इन जमीन क्यों नज़र आई ना लोगों, इन्हों पता है भी असं इतने कुछ भी लगा के करोड़ों करोड़ों पति बन सकते हैं, पर असं किसान नू नहीं बनाना, मैं कहनी हूँ मैं थोनू आन नहीं देना, मैं 200 उद्योगपति लेके आऊँगी, है ना, मैं अपने किसान दे मुंडे नू कहूँगी तू रुक सिख कोल्ड स्टोर खोल, सरकार नू कहूँगी दे लोन इनू कोल्ड स्टोर, इनू दे IT सैल कहें ना, IT सैल च करे स्टेट के नाल गल इंटरस्टेट,
कि मैं स्टेट च बेचो समान, है ना, बिहार च हॉप शूट लगाई है। मैं फिर कह रही हूँ 1 लाख रुपये किलो एवोकाडो 400 रुपये का एक पीस, सारी दुनिया खा रही है, मेरा घर वाला रोज खाता है, तो पंजाब के किसान तो क्यों नहीं खा रहा? जिसे को 4 पैसा है वो हेल्दी खाना अपने टेबल पर खाता है। शतूत गायब करते, सारी दुनिया च बेरीज का क्रेज है, पंजाब की धरती इतने ऐसी है, इतने बेरीज जिन्या मर्जी ला लो, अजकल वो हेल्दी फूड चो मनिया गया। जे तुसी एक्सपोर्ट अज कर दो तुसी लखपति हो, पर थोनू इस पर काम करना पऊगा, किसान तो लैके सरकार तो लैके सारे बंदियां नू लैके। सो साडा यही रहूगा कि असी सारे पंजाब च घूम के किसान भी वापस आ जाए, वाहगुरु सुख रखे, लॉज एक बार कैंसल हूँ, फिर असी सेंटर नाल बैठीए, सानू टाइम देन, सानू फैसिलिटेट करन, साडी स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, असी ये अडल्ट्रेशन दे प्रोसैस तो, ये फर्टिलाइजर दे प्रोसैस तो, जिदे नाल असी अपने पंजाबियों नू भी मारता, तो असी अपनी चीज़ बाहर भी नहीं बेच सकते, इस चो बाहर कढ़ीए तो द्वारा पंजाब नू सोने की चिड़िया बने। पिछले कई दिनों तो किसान मोती महल के बाहर बैठे ने जम्मू कटरा हाईवे नू लैके, उन्हें जमीन रिक्वायर कर देखो, मैं तो कहनी हूँ जेडे बंदे नाल भी धक्का होंदा मैं उस बंदे नाल हूँ, उन्होंने हेड ने कहा मेरे नाल गल करन नू, ये तो साडी लीडरशिप नू चाहिए भी जाके सेंटर तो वो बंदियां दे नाल गल करे भी जमीनी रेट की है। हुण किसी भी बंदे नू मैनू भी कहोगे मेरे घर चो तू निकल जा, तू इन्ने पैसे लैके तो मैनू तकलीफ होगी, ठीक है ना, तो ये होना भी नहीं चाहिए, पर यह सरकार का काम है, यह लीडर का काम है कि वह वर्क करे, उन्होंने बैठे। मैं तो यही जी लीडर से, मैं तो बिच जाके बहुत सी भाई की तकलीफ है आ जा गल करिए, यदा हूँ गल करे तो मुकनी है ना, पर यह तो गलत है। तुम मैं कहो भी आ तेरा घर है, यदा इन्ना हिस्सा मैं एक्वायर करूँ, इन्ना तू रख लै, इन्ने का आ रेट दो, ये तो कोई गल नहीं बनती ना, तुम तो पूरी वो जमीन भी नहीं लै रहे, फिर तुम उन्होंने रेट भी अपनी मर्जी दे रहे हो, तुम मार्केट रेट से गल करो। पर ये जे सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी है, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੌਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਾ ਤੋਂ ਫੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, जिंदगी मुश्किल है हर मोड़ पे, जित मिलती है हमेशा मोड़ पे। हाँ जी साथियों, जिला स्टार कैनेडा टीवी ले पटियाला तो बलजीत बेरी की रिपोर्ट।